आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी दोस्तों से माफी चाहूंगा क्योंकि पिछले दिनों से बहुत दिनों से आपकी क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन आज से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी क्लासेस शुरू होगी, किस प्रकार होगी, उसकी सारी जानकारी आपको अभी दे दूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है दोस्तों इसी काम में लगे हुए थे डिजिटल बोर्ड के लिए, ठीक है। आपके सामने डिजिटल बोर्ड आ चुका है एकदम दोस्तों, जो आपको देखिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों, ये सभी के दोस्तों में थोड़ी सी आपकी डिमांड थी कि सर हमें बताइए फ्री ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल बोर्ड के ऊपर चलेगी दोस्तों, कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड के ऊपर पीडीएफ आपको जो हाथ से लिखेंगे वो भी पीडीएफ मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए जिस प्रकार की दोस्तों पीडीएफ बनेंगे दोस्तों वो आपको हमारे पास आती है, उसी प्रकार आपको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों विदाउट आंसर के साथ। आंसर आपको क्लास के अंदर करवाए जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद टेस्ट सीरीज, एग्जाम को अगर पास करना है तो टेस्ट देने बहुत जरूरी है, तो टेस्ट भी लेंगे और ई नोट्स, ये भी दोस्तों आपको ई नोट्स भी मिलने वाले हैं। ये जानकारी दोस्तों किस एग्जाम के लिए है, राजस्थान सीटी एग्जाम 2023, तो 2023 के अंदर एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से देख लीजिए। सर इसका टाइम टेबल क्या होने वाला है दोस्तों, टाइम टेबल है दोस्तों अभी सोमवार से आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सोमवार से टाइम आपका चेंज कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर टाइम टेबल आपको बता दिया, अभी बता दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूं एक मिनट, क्योंकि नया है सिस्टम दोस्तों, चलाना सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, लिए लो दोस्तों आपके टाइम टेबल, जो भी टाइम टेबल की डिमांड हो रही थी 5 बजे से लेकर, टाइम देख लीजिए दोस्तों, सभी की सभी लाइव से होने वाली है 5 बजे से दोस्तों, इस चीज को टाइम को नोट कर लेना, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपकी क्लासें होगी। अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको क्लास का लिंक मिलेगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है। और दोस्तों अब सीटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, क्या पढ़ना है, क्या रणनीति रहने वाली, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, ये चलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSMSSB है वो करवा रहा है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी आयोग, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको सही विजिबल हो, ठीक है। आपकी विज्ञप्ति 10/10/2022 को आ चुकी थी, इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां दोस्तों उनकी आपको जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों, 7 भर्तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में दिशा निर्देश दोस्तों, अगर थोड़ा सा कलर, कलर बढ़ रहा है दोस्तों, कम नहीं हो रहा है ना। चलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब प्रॉपर आपका कलर दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, कलर रेड वाला, ठीक है। अब देखिए समान पात्रता परीक्षा संबंध में दिशा निर्देश, ये आपको दिशा निर्देश के आपको जो पीडीएफ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पीडीएफ को पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने वाला हूं आपको। आवेदन परीक्षा शुल्क क्या 200, 450 रुपए, 350, 250 दोस्तों, वो अलग अलग है, आप सभी जानते हो, इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एज दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष, उसके बाद अलग आगे वाला,
सिलेबस दोस्तों, सिलेबस देख लीजिए आराम से। सबसे पहले राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक की घटनाएं। नोट में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑप्शन के माध्यम से आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी 12वीं क्लास के स्तर के होंगे आप सभी के। पाठ्यक्रम आपको ऊपर बता दिया आपको, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं साइड में, जो आप देख लेना, ठीक है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर आपके ज्योग्राफी भी आ जाएगी, ठीक है, पॉलिटी भी आ जाएगी, उसके बाद आपके, एक मिनट, पॉलिटी आ गई आपकी, यहां पे लिखना थोड़ी पड़ेगा। चलिए पॉलिटी आ गई, आर्ट कल्चर, आर्ट कल्चर आ गई आपके, और आपका यहां पर करंट, ठीक है, ये चार सब्जेक्ट प्लस आपकी हिस्ट्री, यही राजस्थान है और यही इंडिया का है पूरा का पूरा मेटीरियल। ये चीज आप याद कर रख लेना, या जो भी हो आपका कंठस्थ हो सकती है तो आप कंठस्थ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी साइंस, इंग्लिश मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, साइंस इंग्लिश, और आपकी होगी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। ऊपर क्यों जा रहा है दोस्तों ऐसे? ये सब्जेक्ट, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपके सामने क्लियर। ऑल कैनवास, या यहां पर क्या करना है, स्टॉप इरेजर, यहां से ये मिटा देते हैं दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो बता दो दोस्तों, ठीक है, इतनी चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज, उस सब्जेक्ट का सारा मटेरियल है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगली बार स्लाइड दिखाता हूं आपको। ये साइंस की, दैनिक विज्ञान, ये तार्किक मानसिकता, ठीक है, मानसिक योग्यता, ये सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के पूरे टॉपिक है। एक मिनट, यहां पर स्लाइड पीछे रहेगी क्या? एक मिनट, ये सामान्य हिंदी, ये जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर और समसामयिक की घटनाएं, और सपनी RSMSSB की वेबसाइट के माध्यम से आप देखते रहे, विजिट करते रहे। फॉरम किस प्रकार, जितने भी जानकारी दोस्तों वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। ये इंफॉर्मेशन थी अपने जो नोटिफिकेशन आया था, और अब बता देते हैं दोस्तों क्लास से, कि आपने बता दिया, अगर जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं अभी, उनको बता देता हूं दोस्तों, क्लास का टाइम टेबल आप नोट कर लेना दोस्तों, किसी भी हालात के अंदर मत भूलना आपको, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट आपको करना होगा, नहीं तो दोस्तों किस प्रकार आप, ये लो फुल स्क्रीनशॉट जो डिमांड कर रहे हैं ना, फुल 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 बताओ सर, फुल बताओ।
ये लो, अब इतने से बड़ा नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब बताओ दोस्तों आपको किस प्रकार, आपको क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सभी क्लासे होने वाली है आज के बाद, इस चीज को ध्यान में रख लेना, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ही दोस्तों ये लाया गया है, और आपका विश्वास और प्रेम इसके प्रति बनाए रखना। अपने दोस्तों को बताना कि क्लासे वापिस से शुरू हो चुकी है, जो हम पहले तैयारी कर रहे थे, जिस प्रकार हम पहले पढ़ रहे थे, उसी के माध्यम से दोस्तों उसी स्पीड के साथ आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्लासें दोस्तों टॉपिक वाइज चलेगी, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज। अब दोस्तों इसकी अगर बात आ जाती है तो मैं थोड़ी सी बता देता हूं, इस सब्जेक्ट की अगर बात आती है दोस्तों तो मैं बता देता हूं आपको क्या चीज है दोस्तों। इसमें आपको कम से कम दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के अंदर साथ साथ ही प्रैक्टिस करूंगा और साथ साथ ही प्रत्येक चीज करवाने वाला हूं, ठीक है? और इसके अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस कोई टॉपिक हो तो वो करवा दूंगा। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, और इसके अंदर टॉपिक वाइज, और इसके अंदर कोई टॉपिक समझाने वाला होगा तो समझाया जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें समझ में आ चुकी है तो आप बता देना सारा का सारा दोस्तों। क्लासे वो सोमवार से, आपको पता है सोमवार से शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं कल आपको इंफॉर्मेशन जितनी भी दोस्तों आपको देनी है वो आज ही आप ले लेना, ठीक है? सोमवार से सभी क्लासे रेगुलर बेसिस पर चलने वाली है। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, और मैं आपको यहां पर किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, मैं तब तक आपका बोर्ड भी चलाना एकदम अच्छे तरीके से सीख जाऊंगा, ठीक है? PSP ऑनलाइन पूरा लिखा जा रहा है ना, यहां पर मिस्टेक हो गई ना, एक मिनट। ऑनलाइन लाइन क्लासेज ये सर्च कर लेना आपने टेलीग्राम, यहां पर पूरी स्पेलिंग लिखी नहीं गई है ना, बताते नहीं हो आप एक दो। ऑनलाइन CLA, अब ये लो स्पेलिंग, ठीक है? बोल्ड कर देते हैं और इसको मैं ये लो दोस्तों, पूरा का पूरा आपके सामने। इस नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नाम से चैनल है दोस्तों। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8306061093, इस पर कांटेक्ट कर लेना कि सर हमें यह दिक्कत आ रही है, ठीक है? आपको जिस प्रकार आपको पढ़ना है दोस्तों बताना जरूर कि इस नंबर पर या इस वीडियो के कमेंट करके कि सर टॉपिक करवाना है। अगर साइंस हो गया दोस्तों, इस चीज को आप बताना दोस्तों इन दोनों के बारे में कि टॉपिक पढ़ना है या एमसीक्यू करना है डायरेक्ट। और अदर सब्जेक्ट की बात आती है हिंदी इंग्लिश की दोस्तों, वो अदर टीचर्स हैं, अगर मिलेंगे आपको क्लासे मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको नहीं पसंद आती उनकी क्लास तो मुझे बताना, मैं अगर खुद अगर हिंदी इंग्लिश के जो भी मेन मेन टॉपिक है वो करवा दूंगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना। और अपनी मैथ है दोस्तों वो इसके साथ ही दोस्तों, ठीक है? मैथ आपका पूरा का पूरा जो आपके एग्जाम को टारगेट करके जो एग्जाम में आपके आएंगे वही मैथ करवाई जाएगी, ऐसे नहीं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी नहीं जाने वाली वो। आप विश्वास करके एक बार जुड़िए, वापिस से एक बार आपके सामने आए दोस्तों, ताकि आप पिछली बार व्हाइट बोर्ड के ऊपर थे, अब की बार डिजिटल बोर्ड के ऊपर, देखते हैं दोस्तों आपका कितना प्यार बनता है इसके प्रति। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने अगर आप दोस्त देख रहे हो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर देना कि वापिस से क्लासेस शुरू हो गई है, ठीक है?
कोई दिक्कत होती तो हमें जरूर बताना। ठीक।